नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जीवा जीवाय बन्धोय पुण्यं पावासवोतः संबरो निज्जरा मुखो संते ए तहिया नवे। परम आराध्य भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग। भगवान महावीर अपने अनंत पूर्व जन्मों में एक बार मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए। नाम उनका नय सार पड़ा और लकड़ी के प्रयोजन से महाअटवी में जाना हुआ। साधुओं का समूह कोई मार्ग भूला हुआ था, वह उस महाअटवी में आ गया और नयसार सोच रहा था कोई अतिथि आए तो हमारे पास जो भोजन है वो उनके भी काम आए। जो भी साधु दिखाई दिए फिर तो कहना ही क्या। साधुओं को, साधु जी को आहार का दान दिया और फिर मार्ग बताने के लिए नयसार ने प्रयास किया, साथ चला रास्ता बताने के लिए। साधुओं ने नयसार को उपदेश दिया, नयसार ने भावपूर्ण वंदना मुनि जी को की और इसी नयसार के भव में सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हुई। प्रश्न हो सकता है कि भगवान महावीर के पूर्व जन्मों का वर्णन नयसार के जन्म से ही शुरू क्यों किया जा रहा है, कुछ आगे से या कुछ पहले से क्यों नहीं किया जा रहा है। बताया गया है कि नयसार के भव में प्रभु महावीर की आत्मा को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी, इसलिए नयसार के भव से भगवान महावीर के पूर्व भव आख्यात किए जा रहे हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। संस्कृत का श्लोक है, सम्यक्त्व रत्नान न परम हि रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान न परम हि मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर न परो हि बंधुः, सम्यक्त्व लाभान न परो हि लाभ है। अर्थात सम्यक्त्व के रत्न से, सम्यक्त्व रत्न से बड़ा दूसरा कोई रत्न नहीं और सम्यक्त्व मित्र से बड़ा दूसरा कोई मित्र नहीं, सम्यक्त्व रूपी भाई से बड़ा दूसरा कोई भाई नहीं और सम्यक्त्व के लाभ से बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं। प्रश्न हो सकता है चारित्र भी तो एक रत्न है, वो बड़ा नहीं है क्या? सापेक्ष बात हो सकती है, पर एक दृष्टि से हम देखें चारित्र को सम्यक्त्व की आवश्यकता है। चारित्र सम्यक्त्व पर निर्भर है पर सम्यक्त्व चारित्र पर निर्भर नहीं है। जो निर्भर नहीं वो एक दृष्टि से बड़ा है,
जो जिसके ऊपर निर्भर है वो एक दृष्टि से उससे किसी अपेक्षा से छोटा मान लें। तो चारित्र स्वतंत्र नहीं हो सकता, जबकि सम्यक्त्व स्वतंत्र हो सकता है। सम्यक्त्व चारित्र के साथ भी हो सकता है और सम्यक्त्व चारित्र के बिना भी रह सकता है, पर चारित्र कभी भी सम्यक्त्व के बिना टिक नहीं सकता, हो नहीं सकता। इसलिए हम मान लें कि सम्यक्त्व रत्न बड़ा रत्न होता है, तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होना और सम्यक्त्व का पालन करना, नये सार ने अपने जीवन में सम्यक्त्व का पालन किया। कोई चीज मिल गई उसकी देखभाल रखो तो वह ठीक रह सके, देखभाल न रखे पता नहीं कोई ले जाए कहीं कुछ हो जाए। तो सम्यक्त्व का पालन किया और धर्म का अभ्यास भी जीवन में रखा, धर्माराधना की, धर्म साधना की। सम्यक्त्व के संदर्भ में ऐसा लगता है आस्था, तमेव सत्यम निसंकम जं जिने हिम पवेयम, वह सत्य ही है, वही सत्य है जो जिन्होंने प्रवेदित किया है, यह आस्था जो यथार्थ है उस पर मेरी श्रद्धा है। इस सुक्त के दो भाग हम कर लें, तमेव सत्यम निसंकम यह आधा भाग है, यह श्रद्धा का प्रतिनिधित्व करने वाला है। तमेव सत्यम निसंकम, इसमें मानो श्रद्धा रूपी आत्मा है। अगला आधा भाग है, जं जिने हिम पवे इयम, यह श्रद्धेय है। पूर्वार्ध श्रद्धा है, उत्तरार्ध श्रद्धेय है, यानी जम जिने हिम पवे इयम के प्रति श्रद्धा का उद्घोष है। तो यह आस्था रहे जिन्होंने, जिनेश्वरों ने जो प्रवेदित किया है वह सत्य ही है, वही सत्य है, अर्थात जो सच्चाई है उसको मेरा समर्थन है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा है। मिथ्या बात के प्रति नहीं, सच्ची बात, सही तत्व के प्रति मेरी श्रद्धा है। सत्य तत्व को मैं जान पाऊं या न भी जान पाऊं, पर मेरी श्रद्धा तो उस यथार्थ तत्व के प्रति है। आज मैं न भी जान पा रहा हूं, पर मेरी आस्था उस यथार्थ के प्रति है। तो यथार्थ के प्रति आस्था होना एक सम्यक्त्व का आधारभूत तत्व या सम्यक्त्व का मूल तत्व प्रतीत हो रहा है। दूसरी बात है, कषाय प्रतनुकरण, हमारे कषाय क्रोध मान माया लोभ ये पतले पड़े, ये हल्के पड़े, ऐसा अभ्यास और प्रयास रहे। यह भी सम्यक्त्व और वो वैसे चारित्र मोहनीय का हिस्सा है, हमारी चेतना की निर्मलता में सहायक बन सकेगा, बन सकता है। पहली बात यथार्थ के प्रति श्रद्धा, जिन प्रवेदित के प्रति श्रद्धा। दूसरी बात कषाय प्रतनुकरण का प्रयास, और तीसरी बात है तत्व बोध का प्रयास, तत्व को समझने की चेष्टा करें। जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष, उत्तरध्ययनानी में जो कहा गया, जो मैंने श्लोक उच्चरित किया, जीवा जीवा ये बंध हो, तो तत्व बोध करना, समझने का प्रयास, और समझने में भी यथार्थ ग्रहण का प्रयास। कोई दुराग्रह नहीं करना, फालतू पूर्वाग्रह, दुराग्रह रूप में पूर्वाग्रह भी नहीं करना। जो तत्व है उसको समझने की चेष्टा करना कि मेरी मान्यता
जो आज है हो सकता है कहीं उसमें कमी हो, कहीं उसमें गलती हो, पर जिनेश्वर देव ने जो प्रवेदित किया है उसमें कोई कमी की बात नहीं। मेरी समझ का अंतर हो सकता है, पर मैं अनाग्रह भाव से समझने की चेष्टा करूं कि यथार्थ तत्व क्या है। यो हम अनाग्रह भाव रख करके अध्ययन करते हैं, तत्व को समझने की चेष्टा करते हैं, तो हो सकता है कोई नया आलोक भी हमें मिल जाए। दुराग्रह हो गया वहां, हो सकता है आडा दरवाजा बंद है, अब नया तत्व बोध हो न हो, कैसे हो, परंतु इतना यह ठीक लग रहा है कोई दुराग्रह नहीं करना चाहिए। चर्चा वार्ता दुराग्रह नहीं, जो सही लगे उसका फालतू खंडन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बात हो रही है, मुझे लगता है कि आपकी बात सही प्रतीत हो रही है, युक्ति संगत लग रही है, फिर मैं फालतू जैसे तैसे खंडन करने का प्रयास करूं यह उचित नहीं, अच्छी बात नहीं। जब तुमको स्वयं को इनकी बात सही लग रही है तो फालतू जैसे तैसे बात के द्वारा खंडन करने का प्रयास गलत बात हो सकती है। ठीक है, मैं आपकी बात को मंजूर करूं न करूं वो अलग बात है, मुझे अपनी परंपरा को भी देखना है, मान्यताओं को देखना, मैं आपकी बात सही यह घोषणा करूं न करूं, पर कम से कम खंडन करने का प्रयास तो मैं न करूं, यह सच्चाई के प्रति सम्मान होगा। और मैं फालतू सही मानते हुए भी उसका खंडन करने का प्रयास करूंगा तो फिर मैं सच्चाई से यत किंचित सच्चाई की आसाधना करने वाला भी शायद बन सकूंगा। इसलिए अनाग्रह भाव रखना चाहिए, निष्पक्ष तटस्थ भाव रखना चाहिए। कहा तो यहां तक गया, पक्षपातो नमे वीरे न द्वेषः कपिला दिशु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः। बहुत ऊंची बात कह दी, हर किसी से तो कहने वाला कह सकता है कि भगवान महावीर से मेरा कोई पक्षपात नहीं है, महावीर से मेरा कोई राग नहीं है, महावीर मेरे काका के बेटे भाई नहीं लगते हैं मेरे, तो महावीर से मेरा क्या राग है, कपिल आदि से कोई मेरा द्वेष नहीं, अन्य दर्शन वालों से। जिसकी बात युक्तिमत है, युक्तिमती है, बस उसका ग्रहण करना चाहिए। तो सम्यक्त्व में यथार्थ के प्रति सम्मान, निष्ठा, श्रद्धा, आस्था, जिनेश्वर ने जो प्रवेदित किया वो सही ही है, वही सही है। मेरी अपनी धारणा में भले कोई गलती रह जाए, जिनेश्वर भगवान के द्वारा जो प्रवेदित है उसमें कोई गलती नहीं, अर्थात यथार्थ जो है वो तथा, मैं उसको समर्थन दे रहा हूँ। नय सारणी, अपने जीवन में सम्यक्त्व का पालन भी किया, धर्माभ्यास भी किया, और आखिर आयुष्य पूरा होता है, यह तो दुनिया का नियम है। आयुष्य तो आदमी का भी पूरा होता है और स्वर्ग में रहने वाले देवों का भी आयुष्य पूरा होता है, सब जीवों का, सब प्राणियों का आयुष्य कभी न कभी पूरा होता है। नयसार, इस नयसार भव को संपन्न कर देव गति में पैदा होता है। देव गति में भी वैमानिक देव गति, और उसमें प्रथम देवलोक सौधर्म, पहला देवलोक जो है वहां नयसार की यानी भगवान महावीर की आत्मा उपपन्न हुई। देव आयुष्य पूरा हुआ, आत्मा ने चवन किया और फिर मनुष्य के रूप में
आत्मा उत्पन्न होती है। अब मनुष्य जन्म भी कहाँ मिले, कौन से कुल में मिले, यह भी एक बात है। अब भगवान महावीर की आत्मा जो पूर्व भवों में है, बहुत अच्छी जगह पैदा होती है। अच्छी का मतलब भगवान ऋषभ के वहाँ, भगवान ऋषभ के पुत्र भरत का बेटा मिलने बनने का मौका अब नए सार को मिला और नाम रखा गया मरीच। मरीच भगवान ऋषभ का पौत्र हो गया और नातिले भी थे। भगवान ऋषभ तो दादा महाराज थे, इधर तीर्थंकर, इधर दादा महाराज, पिता चक्रवर्ती, दादा तीर्थंकर। देखिए, पिता तो चक्रवर्ती, दादा महाराज तीर्थंकर। चक्रवर्ती भी अपने आप में बहुत बड़ा सत्ताधीश आदमी, धर्म के जगत में मेरे ख्याल से तीर्थंकर से बड़ा कोई अधिकृत व्यक्तित्व, खासकर हमारे जैन शासन में जो बात है उसके आलोक में तीर्थंकर से बड़ा कोई धर्म का अधिकृत प्रवक्ता नहीं। तो दादा महाराज तीर्थंकर ऋषभ एक बार भगवान ऋषभ का अयोध्या में समागमन होता है और प्रवचन होता है, देशना होती है। कई बार नातिले होने से लोगों का जाना आना ज़्यादा हो सकता है कि नातिले महाराज हैं, दर्शन कर लें। तो वो मरीचि भी देशना सुनता है, और सुनता ही नहीं है, देशना से प्रभावित भी हो जाता है। ऐसे प्रवचनकार हों कि जिनका प्रवचन श्रोताओं को प्रभावित कर दे, और ऐसे भाग्यशाली हों जो प्रभावित हो जाएं। तो मरीचि तो भव्य आत्मा है, और फिर प्रभु ऋषभ की देशना करुणातिथि प्रवचन श्रवण का मौका, और भीतर में वैराग्य भाव जाग गया कि मैं भी साधु बन जाऊं। और आखिर दीक्षा होती है, मरीचि साधु बन जाता है, और आगम का अध्ययन, 11 अंगों को अधीत कर अध्ययन करता है। साधु बनने के बाद सूत्रों का, आगमों का थोड़ा कंठस्थीकरण, पाचना करना, वो क्रम चलता रहे। 10वें आलियम जैसे आमतौर से प्राय कंठस्थ करने का प्रयास चलता है, फिर और आगमों को भी पढ़ना कि 3 वर्ष हो गए दीक्षा लिए, अब आयारो, आयार चुला आदि निशीत वो पढ़ना, इतने वर्ष हो, अब सुईगड़ो पढ़ना, अब वो पढ़ना, भगवती पढ़ना, ऐसे जो हमारा विधि विधान है, इतने वर्ष संयम जीवन के होने पर वह आगम पढ़ा जा सकता। तो यों आगमों का अध्ययन करना, यह ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से और वैराग्य प्रवर्धन की दृष्टि से आगम का स्वाध्याय। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, समणी जी भी, यह उत्तराध्ययन है। अब पूरा याद मान लो हो तो बढ़िया, वरना कुछ अध्ययन भी याद हो जाए, जैसे 32वां अध्ययन है, 29वां अध्ययन है, 10वां अध्ययन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 8वां है, 9वां है, ऐसे कई अध्ययन भी, और भी कई अध्ययन है अच्छे बहुत। आगम को अच्छा बुरा तो क्या कहें, हमारे ज्यादा एक उपयोगी की दृष्टि से बात है। तो पूरा उत्तराध्ययनानी याद हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, पूरा याद करने का इतना आनुकूल्य नहीं है। तो कुछ अध्ययन याद कर लें, 1-2-3 भी याद कर लें, फिर चितारणा करते रहें तो
तो यह आगम तो बहुत ऊंची बहुत बढ़िया चीज है, तो स्वाध्याय कंठस्थ के रूप में और फिर वाचन के रूप में थोड़े बड़े जानकार के पास आगम की वाचना लें, आगम रत्नाधिक है, बड़े हैं या जानकार हैं उनके पास आगम पढ़ें। तो स्वतः पढ़ना भी है, कुछ चीजें दूसरों की निस्रा में पढ़ी जाए, दूसरों की निस्रा में पढ़ना, तो यह आगम स्वाध्याय की महिमा है। अच्छी तरह आगम पढ़ें स्वाध्याय करें, कर्म निर्जरा का भी एक साधन है, और भी लाभ हो सकते हैं। मरीचि ने, मुनि मरीचि ने 11 अंगों का अध्ययन किया, पर एक समस्या हो रही है, गर्मी का परिसह असह्य सा हो रहा है, गर्मी की ऋतु में गर्मी के समय में भीषण ताप पड़ता है, और अब रात को साधु को पानी नहीं पीने की व्यवस्था हो, अब रात को प्यास लगती है, अब इधर गर्मी हवा न हो, शाम का रात का समय खुले में सोना नहीं, अंदर सोना, फिर हवा का अवकाश विशेष नहीं, तो गर्मी हवा का प्राय अभाव, फिर मच्छर और साथ में हो जाएं, अब कितनी कठिनाई हो सकती है, और कई साधियों के तो थोड़ी ज्यादा कठिनाई भी कहीं क्वचित हो सकती है, साधु तो फिर भी कहीं थोड़े इधर उधर सो जाएं, साधियों को तो और भी कहीं ध्यान देना पड़े, दरवाजा बंद, जो भी व्यवस्था यथासंभव जो भी। तो अब मरीचि कुमार जी महाराज के सामने कठिनाई है, ये प्यास लगती है, प्यास सहन करना कठिन हो रहा है, भीषण ताप पड़ता है, अब लगता है मेरे लिए यह साधुपन पालना मुश्किल है, मैं प्यास को कैसे सहन करूं। हमारे छोटे छोटे संत हैं, साध्वियां भी, अब रात को प्यास तो बड़ों को भी लग, छोटे क्या और बड़े क्या लग सकती है, अब प्यास लग जाए, छोटे संत हैं साध्वियां हैं, अब क्या करें, संभवतः पहले यह कहते शीतली प्राणायाम कर लो, कि प्यास लग गई है, शीतली प्राणायाम कर, थोड़ी ठंडक हो जाए, तो कुछ प्रयास भी प्यास क्या परिसय कम हो जाए। तो गुरुदेव तुलसी विराजते रियो उन गर्मी में, और में जो भी फिर नींद नहीं आती कुछ, तो ऐसी स्थितियां गर्मी में संवत्सरी का उपवास हो, दिन में बोलने का काम पड़ा, अब रात में, दिन में पानी तो पीना नहीं, रात में प्यास लग जाती है, संवत्सरी को प्यास न लगे तो शायद खास बात है, संवत्सरी की रात में प्यास न लगे, कोई बहुत ही ठंड हो जाए तो अलग बात है। तो अब मरीचि ने सोचा यह साधुपना पालना मेरे वश की बात नहीं है, पानी की तो प्यास लगती है, तो बिना पानी अब इतना भीषण ताप और है, तो क्या करूं, कि घर को तो छोड़ दिया, अब घर में तो वापिस अब नहीं जाना, पर साधुओं के साथ रहूं और पालन अगर न करूं बढ़िया नहीं है, तो न तो घर में जाऊंगा, न साधुओं के साथ रहूंगा, अलग होकर साधना करूंगा। भगवान ऋषभ का इतना सान्निध्य, और मरीचि साधु समुदाय से पृथक हो जाता है। अब तीर्थंकर विराजमान थे, खुद का संसार पक्षीय पोता था, पर साधु समुदाय को छोड़ दिया, अलग हो गया, साधना तो करनी है, ठीक है, इन साधुओं जितने न कर सकूं अपने ढंग से साधक के रूप में साधना तो मुझे करनी ही चाहिए, तो अब किस रूप में साधना करना, एक अपनी व्यवस्था बनाई, नया वेश अपना निर्धारित किया, मैं किस रूप में रहूंगा, एक तो कपड़े, मैं सफेद कपड़े नहीं, सफेद कपड़े तो साधुओं की उनकी पहचान है, उन जैसे कपड़े नहीं पहनूंगा,
मैं गेरुवा कपड़े कासाय गेरुवे कपड़े पहनूंगा, इन साधुओं से मेरा पार्थक्य यानी उसका रह सकेगा। और कि भाई गेरुवा क्यों, कि ये साधु लोग तो एकसाय के साधक हैं, मेरे में तो कसाय है, साधुपना भी नहीं पाल सका, तो मेरे में कसाय है। इस बात का द्योतक है कि मेरा कपड़ा भी गेरुवा कासाय है, मैं कसाय वाला व्यक्ति हूं। मैं तीन त्रिदंड पास में रखूंगा। ये साधु लोग तो मन वचन काय के दंड को जीतने वाले, मेरे पर तो प्रभाव है इन दंडों का, मन वचन काय दंडों का। इस बात की ज्योतना या प्रतीक के रूप में मैं त्रिदंड रखूंगा, धारण करूंगा, और मैं छत्र भी रखूंगा। क्यों कि साधु लोग तो मोह विजय के साधक हैं, मेरे पर तो मोह का प्रभाव है, मोह का आवरण है, मोह के आवरण के मानो प्रतीक के रूप में छत्र धारण करना, मस्तक पर छत्र रखना। और स्नान आदि भी मैं तो करूंगा, पर परिमित सीमित जल का उपयोग करूंगा। और ये मुनि लोग हैं, इनमें तो शील की सुगंध है, मेरे पास उतनी वो है नहीं, तो सुगंध तो मुझे भी चाहिए। शील की पूरी नहीं है तो चंदन का लेप करूंगा, चंदन की सुगंध रखूंगा। पहनने में खड़ाऊ चप्पलें ये भी पहनूंगा। यों अपना वेश परिवेश जो भी निश्चित कर लिया और साधक के रूप में रहने लग गया, अच्छा एक दृष्टि से ठीक है, कम से कम घर में तो नहीं गया ना, साधुपना नहीं पाल सको कोई बात नहीं, बढ़िया बात तो नहीं, फिर भी नहीं पाल सको, कम से कम घर में तो मत जाओ, कहीं साधना तो करो, कुछ तो साधना करो। तो मरीचि को धन्यवाद देना चाहिए, इतनी इतनी बात के लिए घर में नहीं गया, गृहस्थ उस रूप में गार्हस्थ्य में नहीं गया, वो नहीं पला पूरा तो अपने ढंग से साधक के रूप में साधना की, हाँ ईमानदारी से साधक के रूप में रहे और घर में न जाए तो कुछ अंशों में तो अच्छी बात ही लग रही है। तो मरीचि को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम गृहस्थ रूप में वो घर में नहीं गए, अपने ढंग से साधक के रूप में साधना की। अब आगे भरत जी से क्या समाचार मिलता है मरीचि को, आदि बातों का वर्णन यथासंभवतया आगे आ सके।